खाना मनपसंद, मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। एंड टुडे वी आर मेकिंग एन इंडियन स्वीट दैट इज काजू कतली। और ये एक बहुत ही पॉपुलर मिठाई है इंडिया की, इवन इट इज वन ऑफ माई फैमिलीज फेवरेट। सो टुडे आई एम मेकिंग काजू कतली। फॉर दिस वी नीड वेरी फ्यू इन्ग्रीडियंट्स, कैश्यूज या काजू। आप यहाँ पर 1.5 कप ऑफ कैश्यूज लिया है मैंने, एंड दिस इज अबाउट 3/4 कप ऑफ शुगर। आप शुगर कम या ज्यादा कर सकते हैं। वाटर फॉर मेकिंग शुगर सिरप, दिस इज अबाउट 1/4 कप ऑफ वाटर। 1 टेबल स्पून ऑफ घी, यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो आप रिफाइंड यूज कर सकते हैं और यू कैन यूज एनी अदर एडिबल ऑयल। हेयर आई एम यूजिंग केवड़ा एसेंस, दिस इज ऑप्शनल फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज, बट आई लाइक द फ्लेवर ऑफ केवड़ा, सो दैट इज वाई यू कैन ऑल्सो यूज रोज वाटर और यू कैन ऑल्सो यूज सम कार्डमम फ्लेवर। एंड दीज आर द सिल्वर वर्क फॉर द स्वीट्स। सो हेयर आई एम यूजिंग द वेजिटेरियन वन। सो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आर काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने कैश्यूज को पहले मैंने इन्हें हल्का सा रोस्ट किया हुआ है, या आप रोस्ट ना भी करें तो आप इसे फाइन पाउडर बना लें इसका। सो आई एम गोइंग टू मेक फाइन पाउडर ऑफ माय कैश्यूज। फ्रेंड्स, फॉर मेकिंग द पाउडर आई एम गोइंग टू ग्राइंड देम इन अ मिक्सर जार। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल ग्राइंड माय कैश्यूज। फ्रेंड्स, आर काजू पाउडर इज रेडी। नाउ वी विल मेक आर शुगर सिरप फॉर द काजू कतली। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू एड शुगर एंड वाटर। आई हैव एडेड 3/4 कप ऑफ शुगर एंड 1/4 कप ऑफ वाटर, और हमें इसका 1 स्ट्रेन का सिरप बनाना है, यानी कि एक तार की चाशनी बनानी है हमें। हम इसे इसे फिंगर्स में चेक करेंगे एंड व्हेन देयर विल बी अ सिंगल थ्रेड, और एक तार जब हमें दिखने लगेगी तो हम अपना कैश्यूज का जो पाउडर बनाया है हमने वो इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये सिंगल थ्रेड कंसिस्टेंसी तक पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं हमारी फिंगर्स के बीच में जो है, ये देखिए अ थ्रेड इज फॉर्मिंग बिटवीन माय फिंगर्स। सो नाउ वी विल ऐड आर काजू पाउडर। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माय काजू पाउडर to the sugar syrup. So now we will mix it. Friends, we can make our kaju katli in many ways. This is one of the best method and very quick method. Next time I will explain the another method for making this kaju katli. Friends, we will cook it for 2 to 3 minutes until a dough-like consistency is gained or we get. तब तक हमारी जो ये काजू कतली है ये सब ये अपना पैन छोड़कर बीच में इकट्ठा नहीं होने लगती, तब तक हम इसे कुक करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम और लो फ्लेम। ये देखिए थोड़ा थोड़ा साइड जो है वो लीव करने लगा है। अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज करेंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक दिस काइंड ऑफ डेजर्ट, बट इफ यू आर यूजिंग सिंपल पैन देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक, बिकॉज इट विल स्टिक वेरी मच। यू कैन सी दैट इट इज लीविंग द पैन, आप देख सकते हैं। I am going to cook it just for half more minute. ये देखिए ये डो की तरह बीच में इकट्ठा होने लगा है, इट इज लीविंग द पैन।
Now I am going to add half of the ghee. Just half teaspoon of few drops of ghee I have added. Just make sure कि आपकी and I'm going to switch off the pan because my kaju katli has started to sticking the pan. Now you can see now I will transfer my kaju katli to a bowl. I'm going to shift my kaju katli to this bowl. So friends, now we will cool it little bit and then we will roll our kaju katli. Here I have a board and a paper. This is basically the plastic sheet for rolling the kaju katli. You can also use some butter paper or parchment paper. So now we will place our kaju katli on this board. Before that, I'm going to apply some ghee on it because we don't want to stick our kaju katli to the paper. So now I'm going to transfer this kaju katli material. On it. Now I'm going to roll it with the help of So friends, now we will cut our katlis. Now I'm going to apply my work on the katlis. Now we will take them out in a plate. So friends, our kaju katlis are ready. You can see they are really perfect and
वेरी थिन एंड वेरी नाइस. यू कैन सी द पीस, दे आर रियली परफेक्ट. इवन द मॉइस्चर इन द काजू कतली इज परफेक्ट, यू कैन सी. सो जस्ट मेक श्योर कि आप वन थ्रेड तक ही इसको पकाएं शुगर सिरप को, अदरवाइज योर काजू कतली विल बी हार्ड. सो इफ यू वॉन्ट टू मेक इट सॉफ्ट देन जस्ट मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग वन स्टैंड शुगर सिरप. सो इफ यू लाइक माई काजू कतली रेसिपी देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग खाना मनपसंद. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद. मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ. टुडे वी आर मेकिंग काजू एप्पल. फॉर दैट वी नीड 1.5 कप्स ऑफ काजू और कैश्यूज, आप उससे कम अमाउंट भी ले सकते हैं, एंड 3/4 कप ऑफ शुगर. अगर हमने जस्ट इसकी हाफ अमाउंट ऐड करनी है हमने शुगर की, यानी कि अगर हमने 1 कप काजू लिया है तो आधा कप शुगर ऐड करेंगे. सो हेयर आई हैव टेकन 1.5 कप, देयरफॉर आई हैव टेकन 3/4 कप ऑफ शुगर, लिटिल बिट ऑफ घी. हेयर फॉर द फिलिंग आई हैव प्रिपेयर्ड सम नट्स. हेयर आई हैव टेकन सम पिस्ताशियो एंड कैश्यूज, यानी कि पिस्ता और काजू लिए हैं मैंने. एप्पल बनाने के लिए हम थोड़ा सा रेड फूड कलर करेंगे डेकोरेट करने के लिए. और क्लोव्स, यहाँ पर मैंने अराउंड 20-25 क्लोव्स लिए हैं एप्पल को शेप देने के लिए. सो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आर काजू एप्पल. फॉर दैट वी हैव टू नीड जस्ट फर्स्ट काजू कतली मटेरियल, और फॉर दैट वी विल ग्राइंड आर कैश्यूज. सबसे पहले मैं अपने कैश्यूज को पीस लूंगी. फॉर दैट मेक श्योर कि आपके कैश्यूज जो हैं वो क्रंची हैं. ये देखिए, आप फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं. फॉर दैट ये देखिए, अगर आपके कैश्यूज क्रंची नहीं है तो आप उन्हें फ्रिज में रख के ठंडा करके क्रश कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लें और उसके बाद उसका पाउडर बना लें. सो सबसे पहले अब मैं इनका पाउडर बनाऊंगी. मैंने इन्हें ऑलरेडी हल्का सा रोस्ट कर लिया है. सो नाउ वी विल मेक आर कैश्यू एप्पल्स. देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने कैश्यूज का पाउडर बना लिया है, और अब हम अपना शुगर सिरप प्रिपेयर करेंगे. फॉर मेकिंग द कैश्यू डो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हीट अप द पैन. आई एम गोइंग टू ऐड 3/4 कप ऑफ शुगर, 1/3 कप ऑफ वाटर. हमें इसका शुगर सिरप बनाना है. हमें काफी थिक शुगर सिरप बनाना है, इसलिए पहले ही हम इसमें कम जो है अमाउंट ऐड कर रहे हैं वाटर की, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हमें बहुत देर ना लगे शुगर सिरप बनाने में. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी शुगर को मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बॉयल करेंगे. देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो शुगर है वो मेल्ट हो चुका है. सो नाउ वी विल बॉयल आवर शुगर सिरप. जब तक हमें इससे 1-2 थ्रेड्स की कंसिस्टेंसी नहीं मिलने लगती. जैसे ही हम इसे गिराएंगे और यहाँ पर हमें एक थ्रेड दिखाई देने लगेगा, तो हम अपना शुगर सिरप, हम समझ लेंगे कि हमारा शुगर सिरप जो है वो रेडी हो गया है. फ्रेंड्स, अगर आप अपना कोई भी ऐसा स्वीट बना रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप नॉनस्टिक पैन यूज़ करें, उसमें आपको सबसे ज़्यादा ईज रहेगा बनाने में. अदरवाइज आपकी चीज़ बहुत चिपकेगी एंड यू विल फेड अप, और आपको लगेगा कि आप उसे सही नहीं बना पा रहे हैं. And it will waste a lot. ये देखिए, जब हम इसे गिराएंगे तो यहाँ पर हमें एक तार की तरह कंसिस्टेंसी आने लगी है, आप देख सकते हैं. So I will show you one more method. हम अब इसे थोड़ा सा अपनी फिंगर्स के बीच लेकर देखेंगे. ये देखिए, you can see the wire between my fingers. आप देख सकते हैं. Now our sugar syrup is nearly ready. हम इसे just few seconds और cook करेंगे, और फिर इसमें हम अपना cashews का powder add करेंगे. ये लीजिए friends, हमारा sugar syrup ready हो चुका है. Now we will add our cashew powder. Gas sim कर देंगे हम. पहले इसे अच्छे से mix कर लेंगे. We have to make a dough-like consistency, so make sure कि इसमें कोई lumps ना रहें. Here you can add some elaichi powder also for the extra flavor. Then I will add some crushed elaichi.
जस्ट पिंच ऑफ इलायची पाउडर. जैसे ही बीच में लम्ब की तरह आने लगेगा वी विल स्विच ऑफ द गैस. ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है. एट दिस स्टेज जब ये तैयार होने लगा है आई एम गोइंग टू एड हाफ टी स्पून ऑफ घी ताकि थोड़ा शाइनी भी हो जाएगा और चिपकेगा भी नहीं. आप देख सकते हैं कि ये अब बाउल में इकट्ठा होने लगा है, सॉरी पैन में इकट्ठा होने लगा है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से भून चुका है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये जमने लगेगा. सो नाउ वी विल टेक इट आउट ऑफ द पैन. उससे पहले हम गैस बंद कर देंगे और हमें इसे एक कुछ सेकंड के लिए भी पैन में नहीं छोड़ना, अदरवाइज इट विल कुक एंड बर्न इन द पैन. सो नाउ वी विल टेक इट आउट. ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने डो को बाउल में निकाल लिया है और उस पर हल्का सा घी अप्लाई किया है. नाउ लेट इट कूल डाउन एंड देन वी विल मेक आर कैश्यू एप्पल्स. इस पर हम थोड़ा सा सेलोफिन शीट ढक देंगे ताकि इस पर कोई थिक लेयर ना जम जाए. नाउ फ्रेंड्स, हमारा जो डो है वो लगभग ठंडा हो चुका है. नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आर एप्पल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ग्रीस आर हैंड्स. टेक सम स्मॉल पोर्शन ऑफ योर डो, मेक अ स्मॉल राउंड आउट ऑफ इट, देन फ्लैटन इट आउट. प्लेस सम ड्राई फ्रूट्स इन द सेंटर, देन क्लोज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक अ बॉल. एक्चुअली दिस इज प्रिटी हॉट नाउ एंड यू हैव टू वर्क इट विद लिटिल बिट हॉट कंडीशन, सो ताकि इसका जो शेप है वो प्रॉपर आए. ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेड अ बॉल, देन इलोंगेटेड शेप, ओवल काइंड ऑफ शेप, देन प्रेस इट फ्रॉम द टॉप. Little bit from the down side. Now we will put a clove at the top of it like this. You can see this is looking just like an apple. Now we will take a painting brush, a flat brush, and take some color, dry color on it, and we will color it from the sides. Just don't use too much color. Just use a little bit of color on the sides. Like this one. Here our cashew apple is ready, and even I will show you that how we can use semi-dry brush or you can say a little bit wet brush on these apples. This is looking really yummy and tasty cashew apple. Now we will place it and we will make one more cashew apple. For this again we will grease our hands. Take some burfi material, or it should be a little bit hot, otherwise it will not take proper shape. We will flatten it, then again we will put some these dry fruits are optional. If you don't want to use dry fruits then you can avoid these dry fruits. Now again we will roll them in the shape of a ball. Again we will make an elongated kind of shape like this, then we will flatten it like this from the center and the top. Again we will put a clove in the center
Now we will use again some color on it. This time I am using little bit of water on my brush, you can see. But here I have just used one drop of water. Now I am taking color. Just touching the apple with the color. Because I don't want to use too much color on it. Like this. And one more apple is ready. You can see the shades. Now I will place it again in the plate. So there are two different kind of apples. One is with water and one is without water. Which one you want, you can choose. So now I will make more apples. All the apples. I am showing you one more. If you feel that your kaju katli material is drying out like this one, then you can use a single drop of water. In this case, I am using just one drop of water. You can see here I am taking one drop of water and I will roll it. Again, grease my hands. Make all my apples like this. Friends, I have prepared all my kaju apples. They are looking really yummy. You can gift these kaju apples to your friends or family members. So please try this recipe and send your feedback. And if you like the recipe of kaju apple, then please do subscribe and thanks for watching Khana Manpasand. Hello friends, welcome to Khana Manpasand. Main Kamna Chopra, Khana Manpasand mein aapka swagat karti hoon. Today I am going to make a very tasty sweet, that is kaju paan, और इसकी special request है मेरे पास, so I am making this kaju paan on Diwali. So here I have taken 1 cup of kaju. मैंने 1 cup kaju लिए और उनको crush करके उनका powder बना लिया है. आप देख सकते हैं, this is smooth kaju powder. हम यहाँ पर लेंगे 1 cup kaju से बना हुआ powder, यानी कि mixer में डालकर बस kaju को piece लिया है मैंने. Here I have taken 1/2 teaspoon of glucose syrup. ये liquid glucose है. ये हमारा इसको soft बनाने में help करेगा, dough की consistency में. 1/4 cup of sugar. 1 cup काजू के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 cup लिया है, क्योंकि हम इसमें ग्लूकन की स्टफिंग करेंगे. हेयर आई हैव टेकन दिस ग्लूकन. इसकी स्टफिंग करेंगे तो ये बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा. सो मैंने काजू कतली का जो मैं ऊपर का कवर बनाऊंगी पान का, उसमें मैंने 1/4 cup ऑफ शुगर लिया है, ग्रीन कलर, फूड ग्रेड ग्रीन कलर. और साथ ही मैंने लिया है 1/4 cup ऑफ मिल्क. सो अब हम काजू पान बनाना शुरू करेंगे. काजू पान बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने पैन में जो है मिल्क लेंगे, उसी में मैं अपना शुगर ऐड कर दूंगी, साथ ही मैं अपना काजू पाउडर भी ऐड कर दूंगी. अगर आप चाहें तो इसे काजू कतली के तरीके से भी बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि उतना प्लायबल नहीं होता, उतना अच्छे से बिलता नहीं, उतना सॉफ्ट नहीं रहता. सो वी आर मेकिंग विद दिस मेथड. और साथ ही मैं इसमें अपना ग्लूकोज सिरप भी ऐड कर दूंगी, ताकि ये शुगर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए. इसमें साथ ही मैं इसमें अपना ग्लूकोज सिरप ऐड कर दूंगी. हम इसे इसी से मिक्स कर लेंगे पहले, क्योंकि स्पून में जो है वो ग्लूकोज सिरप लगा हुआ है. हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे. धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो हमारा कैश्यूज हैं वो सब मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कर लिया है उन्होंने. आई विल चेंज द स्पून बिकॉज इट्स अ नॉनस्टिक पैन. हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे फ्रेंड्स. मैं यहाँ पर गैस स्विच ऑफ कर रही हूँ, ताकि ये जल्दी ही बहुत कुक ना हो जाए. मुझे इसे अच्छे से मिक्स करना है. हियर आई एम एडिंग ग्रीन फूड कलर.
Now I will again switch on the gas. हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद गैस स्विच ऑन करेंगे. जस्ट मेक श्योर कि इसमें लम्प ना हो बिल्कुल भी काजू के. अगर आपको लगे कि इसमें लम्प्स हैं, तो जब ये डो की कंसिस्टेंसी में आएगा, यू कैन नीड इट लिटिल बिट एंड योर लम्प्स विल डिसअपीयर. फ्रेंड्स, हम इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. फ्रेंड्स, हमारा फ्लेम अभी भी ऑन है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और देखिए हमारा जो पैन है वो बिल्कुल क्लीन हो गया और ये जो डो है वो बिल्कुल इकट्ठा हो गया है बीच में. सो नाउ वी विल टेक इट आउट ऑन अ बोर्ड. हम इसे एक प्लास्टिक शीट पर निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे. इसे ठंडा करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स. अगर हम इसे ठंडा नहीं करेंगे देन इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली और ये बहुत चिपकेगा. सो हम इसे सबसे पहले ठंडा करेंगे. तो हम इसे 15-20 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे. फ्रेंड्स, हमारा काजू कतली का मटेरियल जो है वो ठंडा हो चुका है. तो देखिए ये डो बिल्कुल रेडी है. आप देख सकते हैं इट इज प्लायबल और आप इसे इजीली रोल कर सकते हैं. सो आई विल मेक माय काजू पान. बिफोर दैट आई एम गोइंग टू मेक द स्टफिंग. आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट वी विल ऐड द ड्राई फ्रूट्स इन दिस गुलकंद, बिकॉज ये गुलकंद और ड्राई फ्रूट की स्टफिंग होती है इसमें. आप चाहें तो इसमें थोड़ा मावा भी ऐड कर सकते हैं. सम पीपल डू दैट, क्योंकि गुलकंद जो है वो बहुत मीठा होता है. हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली स्प्रेड हो जो हमारी स्टफिंग है. और फ्रेंड्स, आप जब भी इसमें नट्स ऐड करें तो उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लें. दे विल गिव अ वेरी नाइस क्रंच टू योर काजू पान. नाउ आई विल मेक माय काजू पान और वी आर गोइंग टू कट आवर वी विल रोल आवर काजू पान बिटवीन द लेयर्स ऑफ द प्लास्टिक. हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ताकि इस पे चिपकेगा नहीं और इट विल रिमूव इजीली. वैसे तो आप इसे डायरेक्टली भी रोल कर सकते हैं बट आई एम डूइंग दिस इन दिस मैनर. देखिए नाउ वी विल कट इट इन द फोर पीसेस. वी विल कट इट इन द फोर पीसेस. Now we will stuff our gulkan stuffing in the center of this kaju pan like this and we will roll it. Don't roll it too thin. Aap dekh sakte hain it is not very thin because agar aap ise bahut thin rakhenge then it will the outer covering will break and the your pan will not look so good. Ye dekhiye, and we will shape it little bit like this and keep it here. We will stuff our kaju pans like this. One more I am going to stuff for you. We will take some stuffing, put it in the center. And then we are going to roll it. I will stuff my all the pans like this and I will show you that how to cover them with the silver work. अगर आपको ये डो स्टिकी लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट वेन यू विल कीप इट इन द फ्रिज इट विल बिकम रियली हार्ड. सो आई एम नॉट यूजिंग एनी मिल्क पाउडर. सो आई विल मेक ऑल माई पान्स लाइक दिस. I am going to cover these kaju pans with some silver work. Here I have this silver work and I am going to roll my kaju pans in this. First I am going to take this one. Here I am going to apply. I am going to roll this pan
see how beautiful it is looking. Now we will place them in a platter. Now we are going to apply on this side. I will cover all my kaju buns with this silver work because they will. This is eatable and friends, this is vegetarian silver work. This is easily available in the market. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे काजू पान जो है वो रेडी हैं. दे आर लुकिंग रियली ऑसम एंड यमी. प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी. और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ लाइक. थैंक यू. बाय बाय. एंजॉय दीज रेसिपीज. बाय.